अच्छा बहुत लगा हमको आपका, खुश है कि मेरे पति दिल लगा रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है। बहुत सराहनीय, बीवी अपना पैदा करेंगे जी तो इससे हमारा तो पूरा होगा ही, प्लस हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में भी सहयोगी हो जाएगा, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए है। तो इन सब बातों को देखते हुए और सरकार भी इसकी सहयोग दे रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए भाई जब सरकार स्वयं सहयोग दे रही है तो हम क्यों ना आगे बढ़े। वेलकम टू अन्य ग्रीन एनर्जी, मैं प्रिया राज पुरोहित, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजमोहन जी और मीरा जी से। आइए जानते हैं ब्रिजमोहन जी और मीरा जी ने सोलर सिस्टम लगाने का फैसला कैसे लिया। नमस्कार ब्रिजमोहन जी। नमस्कार मीरा जी। ब्रिजमोहन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं अपने बिजली के बिल की बचत के लिए। और क्या करते हैं आप, कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को। हमारा जल रिश्तों का दुकान है और हमारे पास मतलब कोई 8 किराएदार हैं, तो हमारा बिजली का बिल आ रहा था 3000 के ऊपर पर चला जाता था, गर्मी के दिन में तो ज्यादा ही चला जाता था। तो इसके कम करने के लिए हमने पहले 1 किलोवाट का अपने से सोलर लगाया और उससे हमको जो रिजल्ट मिला उसको देख करके हम सोचे कि इसको अगर बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा तो हमारा बिजली का बचत होगा, प्लस भारत के उत्थान में भी सहयोग होगा। भारत हाँ। सरकार की भी ये मंशा है कि लोग स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने, तो उसको देखते हुए जो कि जब हम बिजली अपना पैदा करेंगे जी। तो इससे हमारा तो पूरा होगा ही, प्लस हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में भी सहयोगी होगा जी हाँ, पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए है। तो इन सब बातों को देखते हुए और सरकार भी इसकी सहयोग दे रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए भाई जब सरकार स्वयं सहयोग दे रही है तो हम क्यों ना आगे बढ़े, हम भी थोड़ा अपना सैक्रिफाइस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लगाया जाता है, यही सोच करके हम लोग। मतलब कुछ बता सकते हैं कि जैसे बिजली का बिल न भरने के बाद बिजली का कट हो जाना, क्या कैसे समस्याएं आती थी? कट तो नहीं होता था, हर मतलब महीने एक लगा रहता था कि इस बार कितना आएगा उस बार कितना आएगा, हमेशा मतलब वो तो एक बराबर का है ना, मतलब 365 दिन का वही काम है, चूंकि यूज करना है, जितना दिन जितना मतलब जनरेशन आगे बढ़ेगा बिजली का खपत भी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, वो तो कम नहीं होगा, ये तो जितना मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतना ही बिजली का खपत बढ़ता जाएगा और बिजली का बिल उसी आधार से बढ़ता चला जाएगा। ये सब चीजें तो है ही है, क्योंकि भविष्य में यदि पैसा बचाना है तो सोलर लगाना ही पड़ेगा, सबको सब लोग को लगाना पड़ेगा, नहीं तो बिजली में ही चला जाएगा बहुत सारा। मीरा जी, आप बताएंगी कि जैसे सोलर के बारे में जब मतलब ब्रिजमोहन जी ने लगाया सोलर, तो आपको उससे क्या समझ आया कि मतलब ये सही है लगाना चाहिए? आपने सही, कितना सहयोग किया इनका? पूरा इनका सहयोग किया कि अच्छा है, बिजली से बढ़िया है लगाने के लिए। अच्छा, तो अभी इस बार भी आपने पूरा सहयोग किया कि सिस्टम लगवा लीजिए, जल्दी से जल्दी लगने पे कम होगा इसलिए सहयोग तो है, सहयोग तो दिए, क्योंकि देखिए बिना सहयोग के कुछ हो नहीं पाता है, तो हम कहें कि भैया हम कहें कि सोलर लगवा लीजिए ठीक होगा, तो कहें कि हाँ लगवा लीजिए ठीक है, तो फिर बिना सहयोग के नहीं हो पाता है। बिल्कुल, आपसी सहमति और सहयोग ही तो आगे बढ़ाता है इंसान को, और ये आप लोगों का अच्छा है कि दोनों लोग, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की, इनके चेहरे की खुशी बता रही कि कितनी खुश है कि ये सोलर सिस्टम अब फाइनली उतने जितनी जरूरत है इनकी उतनी ही लगाने वाली है, तो इसलिए ये खुश है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमको खुश है कि मेरे पति दिल लगा रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और एक अलग दिखेंगे आप लोगों में छत पे जब लगेगा सोलर तो अच्छा लगेगा, दम अच्छा भी लगेगा, और छत भी क्या होगा कि गर्मी के मौसम में जो छत पे धूप आती है तो तपन हो जाती है, बहुत जलन होता है, इससे भी बिजली का बिल खर्चा होता है, क्योंकि अगर ऊपर से जब छत तपेगा तो नीचे बहुत गर्मी होगी, यहाँ पे क्या है सारा तपन सोलर ले रहा है, तो आपका छत भी ठंडा है तो उतना तो नहीं लगता है, जो पहले चलाना होता था कि दिन रात पंखा एसी वगैरह चलती है वो नहीं चलेगा, तो सब लोग खुश रहेंगे, अच्छा भी रहेगा, छत भी ढका हुआ है, छत भी ढका, आराम से हम लोग आराम से रहेंगे ठंडे में बढ़िया से एकदम से। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहाँ, बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, यहीं पे अभी लोकल में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर सोलर से आप पैसे बचाते हैं, तो अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहेंगे तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा होगा कि जो महीने का 2-3 हजार रुपए जा रहा था, अगर वो बचता है तो आप उससे बच्चों को बाहर पढ़ने भेज सकते हैं। तो अभी कोई बच्चा ऐसा हो जो आपका 10th में हो, कुछ बड़ा क्लास हो? हाँ, इंटर में बच्चा है, जेएनएम है, उषा गुप्ता से जेएनएम कर रही है, अच्छा अच्छा बेटी है,
और एक बेटी है इंटर में, इंटर फाइनल हुआ इसका। अरे बहुत अच्छा, आप लोग के अंदर बहुत ही मतलब इतना प्राउड फील होता है ये सुनने के बाद कि आप लोग सोलर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है आप लोगों को, आप पर्यावरण के साथ साथ अपना बिजली का बिल भी बचा रहे हैं, बच्चों को इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, आगे उनका फ्यूचर और अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हर किसी में नहीं होती हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी सरकार के सहयोग के बावजूद भी, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, फिर भी उनको ये लगता है कि सोलर क्यों लगवाएं? उनको पता भी नहीं है, पता चल जाएगा खुद इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे ब्रजमोहन जी कि सोलर लगवाने से उनका कितना फायदा है? कुछ लोग पता है सब्सिडी है, जानते हैं कि सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि पता नहीं लगवाएं, एक बार सब्सिडी मिलेगा फिर तो मेरा इतना तो चला ही जा रहा है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग थोड़ा दूर तक उनको देखना चाहिए, क्योंकि 25 साल का तो गारंटी मिलती है। यदि आपको 25 साल की गारंटी मिल रही है तो 25 साल की गारंटी पैनल पे आपको पैनल पे मिल रही है, तो इन्वर्टर भी है, उसपे भी बैटरी आपको मिल रहा है, गारंटी मिल रहा है। तो आप यह जोड़ लीजिए कि आपका एक साल में कितना बिजली का बिल भरते हैं और उसको आप उससे गुणा कर दीजिए, आधा ही कर दीजिए, 12 साल का निकाल लीजिए, 12 साल का निकाल के देख लीजिए। आगे आपका मान लीजिए 25 साल की तो गारंटी है, तो जाहिर सी बात है 25 साल तक तो चलेगा चलेगा, उसमें तो कोई रुकना नहीं है। उसके बाद यदि कोई समस्या होती है तो तब तक आपका बिजली का बिल जितना मतलब आपने जाना था उससे ज्यादा आपके पास आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप लोन पे भी जाते हैं, अगर आप लोन भी लगवा रहे हैं, लोन पे सिस्टम फाइनल कर रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा कहाँ मिल रही है कि आपको सरकार से भी मिल रही है सुविधा और आपको ईएमआई की भी सुविधा मिल रही है, दोनों चीजें मिल रही है आपको, और 25 साल की पैनल पे वारंटी मिल रही है, और इन्वर्टर भी है जा रहा है, अच्छा कंपनी का इन्वर्टर जा रहा है, पैनल भी इतना अच्छा, डीसीआर वेरीफाई, गवर्नमेंट से वेरीफाई पैनल जा रहा है, सब कुछ इंडिया का जा रहा है, मतलब इतना बढ़िया स्कोप होने के बाद अगर डर है तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही तो उसका भी सपोर्ट हमें भी करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, कुछ तो फायदा होगा हमारा, तभी तो वो इतना कर रही है कि 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाना है, 25,000 घरों पे बनारस में सोलर लग जाना चाहिए। तो अब चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे चीजें अच्छी ये लगी कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ साथ सरकार के भी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार आपके बारे में। अरे सरकार हमारी है, हमने सरकार को बनाया तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के सहयोग से बिना चल ही नहीं पाएगा। जी जी, हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। जी हाँ, परिवार का एक होता है ना कि परिवार में वो परिवार ही परिवार है और हम उसके सदस्य हैं, सदस्य हैं हम लोग, सबकी जिम्मेदारी तो बराबर है, किसी के कम बेसी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। तो ये जो उन्होंने योजना शुरू की बहुत है, अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा योजना शुरू किए हैं कि बहुत सहयोग मिल रहा है, इससे हर घर पे सोलर होगा और हर कोई बिजली से मुक्त हो जाएगा, फिर आर्थिक रूप से समृद्ध होगा उसका, आर्थिक रूप से उसका मतलब मजबूत होगा, तो और कहीं वो इन्वेस्ट करेगा और कोई काम और तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके पास एक चिंता मुक्त होगा तो कहीं और तो आगे बढ़ेगा। अरे जी, एक जगह खर्चा बचता है तो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, वो तो बचेगा तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा, यूज होगा, जाहिर सी बात है लाइफ स्टाइल ऊंची होगी और उन्नति लोग करेंगे। आपका चीज तो अच्छा है, अब लोगों को समझ के ऊपर है कितना लोग समझ जाए। जी चलिए, धीरे धीरे लोगों के बीच में ये समझ, धीरे धीरे देखते देखते सब समझ जाएंगे, सब लोग समझदारी लोगों के बीच में लोग समझेंगे जानेंगे, क्योंकि जिन्हें अपना बिजली का बिल बचाना है, जिन्हें पर्यावरण से प्रेम है, जिन्हें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने आने वाले कल से प्रेम है, वो जरूर इस पे सोचेंगे, शिफ्ट करेंगे, उसको शिफ्ट करना चाहिए। अभी तो ऑप्शन भी दे रहे हैं, सरकार भी दे रहे हैं, सामने से फ्रंट से सहयोग भी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है। चलिए, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे, इनकी बातों पे गौर करिएगा कि सोलर सिस्टम लगाने से आप एक ही नहीं कि खाली आप बिजली का बिल बचा रहे हैं, बिजली के बिल के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं, अपने आने वाले कल तथा अपने बच्चों के आने वाले कल को सुरक्षित कर रहे हैं। तो देर ना करें, आज ही हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।